देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 3 वर्षों से इसकी छपाई बंद कर दी है और 2000 का नोट एक क्षणिक तौर पर नोटबंदी के दौरान इसको लाया गया था ताकि 500 और 1000 के नोट को बदलने में लोगों को कठिनाई नहीं हो। और अब कहीं बाज़ार में नोट दिखाई नहीं पड़ता, कहीं इसका दर्शन नहीं होता है। और जो सूचना मिल रही कि इससे लोगों ने होर्डिंग कर रखी है, जिसके पास जो था वो जमा कर रखा है, इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और दुनिया की जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्था है, चाहे वो चीन हो, जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी 100 से ज़्यादा के डिनोमिनेशन की कोई करेंसी नहीं है। तो इसलिए ब्लैक मनी को रोकने की दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा। तो इसलिए ज़रूर सरकार को इस बात का विचार करना चाहिए कि इसको फेज़ आउट किया जाए, एक बार में बैन करने के बजाय लोगों को 2 साल 3 साल का मौका दिया जाए, जिनके पास 2000 के नोट हैं उसको वो बदल सके और बदल कर छोटी करेंसी वो ले सके और उसके बाद वो लीगल टेंडर के रूप में ना रहे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा है, अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा, सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सती महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमोनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है, कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहां इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सत्य महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज है, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपये का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है, चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है, यूरोपियन यूनियन में अधिकतम जो अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है, केवल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे इंडोनेशिया में तो 1 लाख रुपये तक के भी नोट है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी बढ़ावा दे रही है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग, इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना है।